हाय एवरीवन, आज का फोटो एडिटिंग कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पर इंडिपेंडेंस डे पर होने वाला है। सो गाइस, 15 अगस्त पर फोटो एडिटिंग का ट्रेंड अभी काफ़ी ज़्यादा चल रहा है इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर। सो काफ़ी ज़्यादा लोग बाग फोटो एडिटिंग ट्राई करना चाहते हैं लेकिन प्रॉपर तरीके से एडिटिंग नहीं कर पाते। यानी उसके लिए गाइज, आपको एक तो परफेक्ट बैकग्राउंड की ज़रूरत पड़ती है और एक आपको PNGs की ज़रूरत पड़ती है। तो गाइज, ये दोनों चीज़ों को होना ज़रूरी है। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं होगी आपकी फ़ोटो में तो आप अपनी परफेक्ट तरीके की फ़ोटो एडिटिंग यहाँ पे नहीं कर पाओगे। सो आज का जो ट्यूटोरियल मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, सो गाइज, वो काफ़ी ज़्यादा ईजी होने वाला है। उसमें यहाँ पे हम कोई भी बैकग्राउंड चेंज नहीं करने वाले हैं। इजीली हम कुछ PNGs यूज़ करेंगे, वो भी इंडियन फ्लैग की, और काफ़ी अच्छी फ़ोटो एडिटिंग हम यहाँ पे करने वाले हैं। सो फोटो मैं आपको एक बार यहाँ पे दिखा देता हूँ कि किस टाइप की हमारी फ़ोटो होने वाली है और एडिट होने के बाद में कैसी होने वाली है। सो फोटो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। सो गाइज, एक बार आप फोटोज यहाँ पे देख सकते हो कि किस टाइप की यहाँ फोटो हमारी यहाँ पे होने वाली है एडिट होने के बाद में। सो गाइज, इस फोटो में हमने सिंपल तरीके से कुछ भी नहीं किया, ओनली पिक थी हमारी जिसका थोड़ा सा बैकग्राउंड हमने ब्लर किया है यहाँ पे, और बैकग्राउंड ब्लर के बाद में कुछ PNGs हमने यहाँ पे ऐड किए। सो आपको PNGs भी पिक में यहाँ पे नज़र आ रही होगी, ये इंडियन फ्लैग की PNGs है और कुछ टेक्स्ट वाली PNGs हमने यहाँ पे यूज़ की है। सो कुछ इस तरीके से आप इजीली अपनी फोटोज़ के यहाँ पे आप एडिट कर पाओगे काफ़ी आसानी तरीके से। तो इसकी एक रो इमेज में मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस टाइप की हमारी रो इमेज यहाँ पे होने वाली है, तो आप वो भी एक बार यहाँ पे देख सकते हो। सो गाइस, ये रो इमेज है कुछ इस तरीके की, तो इसी को हम काफ़ी कमाल की फोटो एडिटिंग करने वाले हैं, तो मैं आपको पूरा ही बता देता हूँ। तो आप देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर कैसा हमारे रिजल्ट होने वाला है। सो काफ़ी अच्छी फोटो एडिटिंग यहाँ पे हमारी होने वाली है। सो आप भी फोटो एडिटिंग ट्राई कर सकते हो। तो वीडियो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, तो आपको देखना है कि कैसे यहाँ पे फोटो एडिटिंग हम करते हैं। हाय गाइज, आपको यहाँ पे सबसे पहले स्नैपचैट एप्लीकेशन में अपनी पिक को यहाँ पे ऐड करना है। सो ऐड करने के बाद में पेंसिल ऑप्शन पे आना है यहाँ पे आपको, और यहाँ से गाइज आपको क्रॉप कर लेना है। अगर आपकी साइज अच्छी क्रॉप नहीं रहेगी पिक की, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले क्रॉप करना है। तो हम भी यहाँ पे अपनी पिक को क्रॉप कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। इसके बाद में एडिटिंग वर्क स्टार्ट करेंगे, पेंसिल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हीलिंग टूल को हम यूज़ करेंगे, तो आपको नज़र आ रहा है कुछ इस टाइप से हीलिंग टूल है। देन इसकी वजह मदद से गाइज, जो ग्रीन वाला पार्ट है हमारा ऊपर का बैकग्राउंड का, उस पर यानी हमारे ऑब्जेक्ट यानी हमारे फोटो है खुद के यहाँ पे, हम उसको रिमूव कर देंगे हीलिंग टूल्स की मदद से। तो आप भी इसे काफ़ी इजी तरीके से रिमूव कर सकते हो, बस थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है। मैंने मेरा परफेक्ट कर लिया है। करने के बाद में आपको इसको यहाँ से राइट क्लिक कर देना है, तो राइट क्लिक यहाँ पे हम कर देते हैं। अब इसके बाद में गाइज, जब जो ऊपर का पार्ट यहाँ से हमने इरेज करा था वहाँ तक बैकग्राउंड को ब्लर कर देते हैं। इसके लिए पेंसिल ऑप्शन क्लिक करके नीचे लेंस ब्लर पर हम जाएंगे, और लेंस ब्लर पर जाने के बाद में सर्किल वाला ऑप्शन क्लिक करके ब्लर का हम ये लाइनिंग वाला है ट्रैक हम यूज़ करेंगे। इसकी मदद से काफ़ी अच्छे तरीके से हमारे यहाँ पे ग्रिल नज़र आ रही है, नीचे की तरफ रेलिंग है लोहे की, तो यहाँ तक हम ब्लर करेंगे। तो इतना सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से लेके हम ब्लर स्ट्रेंथ 100 कर देते हैं, और 100 करने के बाद में सिंपल तरीके से इसको नीचे की तरफ स्ट्रेच कर देते हैं। इतना हमें यहाँ पे रखना है, इससे ज़्यादा तो हमें करना नहीं यहाँ पे, क्योंकि ब्लर हमारा ऊपर का पार्टी देगा और ग्रिल हमारी यहाँ पे ब्लर नहीं होगी। ग्रिल से ऊपर वाला पार्टी हम ब्लर करेंगे, इसलिए हमने वहाँ तक अपनी फोटोज़ को हीलिंग टूल्स की मदद से वहाँ पे रिमूव करा था। इतना गाइज हमें यहाँ पे कर लेना है, और करने के बाद में परफेक्ट तरीके से हमारा ब्लर हो चुका है, राइट डन आपको कर देना है। इसके बाद में गाइज अब आपको करना क्या होगा, यहाँ से आपको पेंसिल पर क्लिक करके डबल एक्सपोजर पे जाना है, और फोटो पे क्लिक करके अगेन आपको अपनी पिक को ऐड कर लेना है, यानी जो पिक अभी ऐड कर रहे हो उसी को आपको यहाँ पे ऐड करना है। तो इस पिक हमारी जो सेम पिक हम उसको ऐड कर लेते हैं, तभी से हम अच्छी साइज बिल्कुल कर लेते हैं रोटेट, और जो हमारी पुरानी वाली पिक है जिसको हमने इरेज किया ऊपर से थोड़ा सा रिमूव किया ऊपर हेड वाला पार्ट, तो हमको बिल्कुल उसके एग्जैक्ट उसके ऊपर हमें इसे फिक्स कर देना है। तो फिक्स आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो आपको अच्छे तरीके से उसे फिक्स कर देना है। मैं इसे जल्दी से फिक्स कर लेता हूँ। फिक्स हो चुकी है हमारी, बिल्कुल कॉपी पेस्ट हो चुकी है ऊपर की तरफ। देन इसकी ओपेसिटी आपको 100 कर देनी, और यहाँ से इसको हम राइट क्लिक कर देते हैं, तो काफ़ी ईजिली आप इस चीज़ को कर पाओगे। इसके बाद में ऊपर एडिट इफेक्ट्स का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करके व्यू एडिट्स में आएंगे, डबल एक्सपोजर देन ब्रश हम सेलेक्ट करेंगे, देन कुछ इस टाइप में इंटरफेस नजर आएगा, तो इस वाले आइकन को ब्लू कर देंगे। देन अब गाइस आप स्टार्ट होता है हमारा बैकग्राउंड को ब्लर करना, तो आपको ऊपर से यहाँ पे इरेज करना है डबल एक्सपोजर 0 करके, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है गाइस आपको इसको। तो मैं थोड़ा सा जल्दी से कर लेता हूँ ताकि वीडियो हमारा ज़्यादा लंबा यहाँ पे ना हो, आप इजीली ब्लर कर सकते हो बैकग्राउंड को। तो हमने कर लिया, तो पीछे का बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा ब्लर हो चुका है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रिल के ऊपर वाला पार्ट, तो यहाँ से टर्न करके बैक आ जाएंगे। देन अगेन पेंसिल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से व्यू इमेज पे आएंगे, जहाँ पे बैकग्राउंड को बिल्कुल ग्रीन करना है, तो कॉन्ट्रास्ट बढ़ाएंगे और सैचुरेशन 100 कर देंगे। हाईलाइट्स को भी हम यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ाएंगे 20 के आसपास, हाईलाइट्स बढ़ा देंगे और शेडो भी थोड़ी सी यहाँ पे हल्की बढ़ा देंगे। देन बाकी कुछ छेड़ना नहीं कुछ नहीं यहाँ पे, और यहाँ से हम इसको कर देते हैं राइट।
अगर ऊपर एडिट स्ट्रेच ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और व्यू एडिट्स पे आएंगे और यहाँ पे ट्वीन बाई क्लिक करके ब्रश को सेलेक्ट करेंगे। अब बैकग्राउंड वाला पार्ट हमको यहाँ पे रखना चाहिए, अपना बॉडी वाला पार्ट है उस पर से हम जो ट्वीन बाई इफेक्ट डाला है वो हम यहाँ से रिमूव कर देंगे ट्वीन बाई को जीरो करके कुछ इस तरीके से, ताकि हमारा जो फेस के ऊपर रेड कलर की जो इफेक्ट नज़र आ रहे थे और क्लोथ पे जो हमारे क्लोथ ज़्यादा सेचुरेट हो चुके थे वो यहाँ पे हम अच्छे तरीके से करेक्ट कर सकें, क्योंकि हमें क्लोथ्स का कलर भी यहाँ पे चेंज करना है। तो चेंज क्या करना, थोड़ा सा हमको बिल्कुल नेगेटिव करना है कलर, बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट रखना है हमारे क्लोथ्स का कलर, नहीं हमारी स्किन को भी हमें ब्राइट करना है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी ट्यूर मैच पे से, जो इफेक्ट आपकी बॉडी पे है उसको आपको अच्छे से यहाँ पे रिमूव कर देना है। बस आपको थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लगेगा, बिल्कुल ईजी प्रोसेस हो जाए, जिसको आपको इस चीज़ पर हमें ध्यान रखना है। इतना सा करेंगे और शर्ट के ऊपर से भी हम ये इफेक्ट आ रहा है जिसको हम यहाँ पे अच्छे से रिमूव कर देते हैं। इतना हमारा यहाँ पे हो चुका है अच्छे से, देन आप यहाँ से हम कर देते हैं इसे राइट टर्न। तो यहाँ पे राइट टर्न करेंगे और बैक आएंगे, देन बैक आने के बाद पेंसिल क्लिक करके सेलेक्ट को सब यूज करेंगे। अब इससे क्या करेंगे, हम स्किन कलर को ब्राइट करेंगे, स्किन कलर सेलेक्ट करके ब्राइटनेस बढ़ा देंगे, सेचुरेशन भी कॉन्ट्रास्ट हल्का सा बढ़ाएंगे, देन सेचुरेशन भी हल्के से बढ़ाएंगे, स्ट्रक्चर भी हल्का सा बढ़ा देंगे। तो वैसे आपको ये बार बार रिपीट करना है जब तक कि आपको आपका जो स्किन कलर है पूरी बॉडी के ऊपर से वो आप यहाँ पे सेम मैच नहीं कर देते। तो आपको सेलेक्टेड टूल से बार बार इस चीज़ को यहाँ पे रीट्राई करते रहना है। तो जितनी बार आप अच्छे से करोगे उतना आप यहाँ पे कर सकते हो। इतना करेंगे देन नीचे की तरफ भी हम यहाँ पे इसको अगेन सेलेक्ट करेंगे और ब्राइटनेस हम अपनी स्किन कलर को और कर लेते हैं, ताकि अच्छा सा हमारा स्किन का कलर काफ़ी ज़्यादा गोरा हो जाए यहाँ पे। तो आप इसी टूल की मदद से कर पाओगे। फिर अब बारी आती है हमारे क्लोथ के कलर को चेंज करने की, तो सेलेक्ट टूल से हम इसको करेंगे, जिसका कलर सेलेक्ट करेंगे देन इसको बिल्कुल हम नेगेटिव कर देंगे, सेचुरेशन -100 कर देंगे और ब्राइटनेस भी कम करके स्ट्रक्चर बढ़ा देंगे। देन वही चीज़ आपको आगे रिपीट करते रहेंगे अपने क्लोथ के ऊपर, जब तक कि आपका परफेक्ट तरीके से क्लोथ यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट नहीं हो जाए, बिल्कुल ब्लैक हो जाए। ऊपर केप वाले पार्ट को भी सेलेक्ट करेंगे, ब्लू कलर के वाले उसको भी हम सेलेक्ट करके बिल्कुल उसको भी डिसेचुरेट हम कर देते हैं यहाँ पे और -100 कर देते हैं, स्ट्रक्चर को हल्का सा बढ़ा देता है कि डिटेलिंग हमारे यहाँ पे बढ़ जाए। अब बारी आती है कुछ हमारे यहाँ पे शर्ट्स वाले कलर को सेलेक्ट कर देंगे, कर सकते हो वरना हमारा ऑलरेडी हमें बैठे। तो क्या करेंगे, पोर्ट्रेट पे जाएंगे और स्किन को हम स्मूथ कर लेते हैं और आई को क्लियरिटी कर लेते हैं, ताकि अच्छी हमारी डिटेलिंग हमें नजर आए और फेस भी हमारा एक क्लिक के अंदर स्मूथ हो जाए। अब डिटेलिंग में आएंगे, स्ट्रक्चर को थोड़ा सा बढ़ाएंगे 40-50 में, देन चार्जिंग को भी इंक्रीज कर देंगे 40 पे, देन यहाँ से हम राइट क्लिक करके स्पीक को गाइस यहाँ से डन करके सेव कर लेते हैं। अब स्पीक को हम ओपन कर देंगे गाइस अपने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर, पिक्सआर्ट में हम इसे स्पीक को यहाँ पे ओपन कर लेंगे। तो गाइस पिक्सआर्ट में पिक को ओपन कर लिया है, यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड फोटो सेक्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ऐड फोटो सेक्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक बटरफ्लाई की जो बुक है की तरह आपको वर्क करेगी, तो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है गाइस वो पेजेस की फोटो एडिटिंग, तो उस पेजेस को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ये आपको मिल जाएगी, सारी चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिए। ब्लेंडिंग मोड गाइस जिसका आप स्क्रीन कर दें और स्क्रीन करने के बाद में आपको कुछ स्टेप से इफेक्ट आ जाएगा। अब आपको बैकग्राउंड जो ऊपर का ग्रीन पार्ट है वहीं वहीं आपको इस पेजेस को अप्लाई करना है, ताकि आपको अच्छा सा इफेक्ट यहाँ पे बटरफ्लाई पेजेस का आपको मिले। देन इरेजर की मदद से यहाँ पे साइड में आपको इरेजर नज़र आ रहा होगा, इसकी मदद से जो भी बॉडी के ऊपर हमारी पेजेस आ रही है उसको हम यहाँ पे इरेजर की मदद से रिमूव कर देते हैं। तो आप इजीली ये चीज़ करवाओगे, देन इसको भी यहाँ से कर देते हैं राइट डन। आप ऊपर कॉर्नर से यहाँ पे राइट डन कर लीजिएगा और यहाँ से भी एक बार राइट डन कर लीजिए। अगेन एड फोटो पर जाएंगे और यहाँ से अब बारी आती है हमारे इंडियन फ्लैग को एड करने की। तो गाइस इंडियन फ्लैग काफ़ी अच्छा हमारे यहाँ पे होने वाला है, बिल्कुल ब्लर इंडियन फ्लैग होने वाला है, तो आप देख सकते हो एक बार स्क्रीन पर। तो कुछ इस टाइप से इंडियन फ्लैग है, देन उनको हम यूज़ करेंगे बिल्कुल ऊपर की तरफ यहाँ पे ऐड कर देते हैं हम। यहीं से हम ऐड करने के बाद में ऊपर आपको इरेजर के ऊपर एक लेयर नज़र आ रही है, यहीं से हम एक डुप्लीकेट क्रिएट करेंगे और डुप्लीकेट क्रिएट करके इधर साइड में आएंगे और इधर फ्लिप एंड रोटेट पर क्लिक करके इसको हम फ्लिप कर देंगे। फ्लिप करने के बाद में कुछ इस साइड आ जाएगा, देन एक यहाँ पे ऐड कर देंगे और यहीं से एक और डुप्लीकेट क्रिएट करेंगे। आपको लेयर पर क्लिक करके इसी का डुप्लीकेट क्रिएट करना है, देन इसको भी नीचे की तरफ आपको शिफ्ट कर देना है कुछ इस तरीके से, और यहीं से आपको एक और डुप्लीकेट क्रिएट करना पड़ेगा जो इधर साइड में आपको शिफ्ट करना है और यहाँ पे फ्लिप रोटेट पे क्लिक करके फ्लिप करके आपको यहाँ पे नीचे की तरफ सेट कर देना है। देन यहाँ पे आना है, देन यहीं पे आपको क्लिक कर दिया यहाँ पे सेट करके आपको इसको बैकग्राउंड पे राइट डन कर देना है। अब बारी आती है गाइस कुछ पीएनजी सेट करने की, तो हम क्या करेंगे स्टिकर्स पे क्लिक करेंगे यहाँ पे स्टिकर वाले ऑप्शन पे, देन सर्च करके पिजन की एक पीएनजी हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो ये पीएनजी आपको फ्री में मिल जाएगी, वहीं पे आप सर्च करके ले सकते हो। वैसे मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा।
देन यहाँ पे आएंगे, देन यहाँ पे आने के बाद इसको राइट क्लिक करेंगे, देन लास्ट वन चीज़ हमें ऐड फोटो पे क्लिक करके एक 15 अगस्त की पेंजेस को टेक्स्ट पेंजेस हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, जो काफ़ी अच्छा आपका यहाँ पे बैकग्राउंड पर इफेक्ट देने वाली है वो पेंजेस, तो उसको भी हम यहाँ पे ऐड कर दें। तो ये 15 अगस्त टेक्स्ट पेंजेस है, तो ये भी हम ऊपर की तरफ सेट करेंगे और यहाँ से हम इसको राइट क्लिक कर देते हैं, जो काफ़ी अच्छा इफेक्ट आपका भी यहाँ पे देने वाली है, और इसको भी यहाँ पे लगा के राइट क्लिक कर देते हैं। अब बारी आती है इस पिक को हम ड्रॉ के अंदर ओपन करेंगे और थ्री डॉट पर क्लिक करके यहाँ पे सेव कर लेंगे, और इसको हम ओपन कर लेते हैं अपने लाइटरूम एप्लीकेशन में, जहाँ पे थोड़ा सा इसका कलर ग्रेडिंग हम करेंगे। तो लाइटरूम में हमने पिक को ओपन कर लिया है, तो यहाँ पे लाइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपको नीचे की तरह स्टार वाला, देन यहाँ पर क्लिक करके हल्का सा एक्सपोजर बढ़ाएंगे 0.5 या सो इतना बढ़ाने के बाद में हल्का सा हाईलाइट को भी बढ़ा देंगे, और आगे आएंगे गाइज हम कलर्स पे, देन कलर्स पे आने के बाद में ऑरेंज कलर को हल्का सा बढ़ाएंगे, ल्यूमिनस बढ़ाएंगे ऑरेंज कलर की ल्यूमिनस को, और हल्की सी सेचुरेशन भी हम बढ़ा देंगे ताकि हमारा फेस का कलर काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ हो जाए। इसके बाद में हम सेलेक्ट करेंगे ग्रीन कलर को, देन ग्रीन पे आएंगे, देन ग्रीन की हु को हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे और हल्की सी सेचुरेशन भी यहाँ पे इंक्रीज कर देंगे ग्रीन कलर की, तो आपको भी ये चीज़ यहाँ पे कर दें ताकि आपका बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा नेचर में आ जाए और काफ़ी अच्छा ग्रीन बैकग्राउंड आपके यहाँ पे लगे। देन इतना करने के बाद में रेड कलर पे आएंगे, सॉरी ब्लू कलर पे आएंगे, देन ब्लू कलर को बिल्कुल डीसेचुरेट कर देंगे ताकि जो बैकग्राउंड में ब्लू आ रहा था वो बिल्कुल हट जाएगा यहाँ पे, और क्लोथ्स पे भी हमारे यहाँ पे हट जाएगा। अब इसके बाद में बारी आती है रेड कलर की, देन रेड कलर की सेचुरेशन बढ़ाएंगे और ल्यूमिनस को बढ़ा के यहाँ से हम कर देते हैं इसे राइट डन। अब नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, वाइब्रेंस बढ़ा देंगे यहाँ पे हल्का सा, और हल्की सेचुरेशन बढ़ा देंगे और नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ से टेक्सचर्स को बढ़ाएंगे, हल्की सी क्लैरिटी भी डाल देंगे पिक के अंदर 10 के आसपास। नीचे वाले ऑप्शन पे आएंगे, देन शार्पिंग को हमको यहाँ पे बढ़ाना है, और शार्पिंग को बढ़ाने के बाद में काफ़ी अच्छी आपकी डिटेलिंग यहाँ पे पिक में आ जाएगी। तो देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर आपके पिक में काफ़ी ज़्यादा चेंज आ चुका है लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। तो शेयर बटन पे ऊपर क्लिक करना और सेव टू डिवाइस में पिक को आपको सेव कर लेना है। सो आई होप आपको ये फोटो एडिटिंग अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर न्यू तो सब्सक्राइब कर देना। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।